हरिओम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों पहले तो देख सकते हो एक डब्बा ले लिए जो कि काली डब्बा, तो दोस्तों इसके ऊपर बनाने वाले आज गणपति बाप्पा की मूर्ति। पहले तो डब्बा ले लिए और उसके बाद दोस्तों भी हम ढेर सारे मिट्टी ले लेंगे और दोस्तों इसे लड्डू की तरह गोल बना लेंगे और इसे हम गणेश भगवान की पेट बना लेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हाथ के मदद से गल कर लेंगे बॉल की तरह। दोस्तों इसे लड्डू की तरह पेट को बनाने के बाद दोस्तों अभी हम कॉइल बना रहे हैं। कॉइल बनाकर दोस्तों इसे हम पैर बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे मिट्टी जरूरत है मिट्टी दे देंगे और उसे मतलब ऊपर के साइड थोड़ा मोटा होगा और नीचे के साइड थोड़ा पतला कर देंगे पैर की तरह। और दोस्तों इसे हम दो पैर बना लेंगे। एक पैर तो ऊपर रखा होगा और दूसरी पैर नीचे की तरफ रखा होगा, कुछ इस प्रकार का बना रहे हैं गणेश भगवान। अभी दोस्तों दोनों पैरों को बनाने के बाद दोस्तों अभी हम बना रहे हैं गणेश भगवान की धोती, जो कि छोटा छोटा स्लेब करके मिट्टियाँ दे देंगे और उसी प्रकार से बना रहे कुछ इस प्रकार से बनाते जाएंगे दोस्तों। दोस्तों धोती को बनाने के साथ साथ दोस्तों गणेश भगवान की उंगलियां भी बना दिए और दोस्तों अभी हम बना रहे जो कि धोती के फोल्ड को जिस प्रकार से बना देंगे दोस्तों टूल की मदद से, लकीर जो खींच लेंगे और उसको ब्रश की मदद से कुछ इस प्रकार से साफ कर देंगे और फिनिशिंग हो जाएगा तो धोती की तरह जो धोती का फोल्ड बन जाएगा। दोस्तों अभी दोस्तों कमर बंधन बना रहे कुछ इस प्रकार से, दोस्तों वहाँ पे गोला से बना लेंगे और साइड में जिस प्रकार का छोटा छोटा कॉइल बना के दे देंगे। अभी दोस्तों अभी हम बना रहे हैं गणेश भगवान पेस्ट को बना रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से। पहले तो छोटा छोटा दो साइड में मिट्टियाँ ले दे देंगे और दोस्तों उसके बाद लेप बना के कुछ इस प्रकार का मिट्टियाँ थोड़ा बहुत दे देंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा करके। और इसे हमने बना रहे चेस्ट को कुछ बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आधीश्वर, तू परमेश्वर, तू ईश्वर। दोस्तों नाभि को बनाने के लिए हमने एक टूल का यूज किया दोस्तों, जो कि थोड़ा लंबा कर दोस्तों वहाँ पे बीच में कुछ मिट्टियाँ मतलब बना देंगे ताकि नाभि की तरह ही अच्छा दिख सके। दोस्तों अभी हम कमर बंधन का डिज़ाइन कर रहे हैं दोस्तों, सिंपल सा डिज़ाइन बना देंगे टूल की मदद से। कमर बंधन सब कुछ बनाने के बाद दोस्तों अभी हम बना रहे हैं गणपति बापा की हाथ। हाथ को बनाने के लिए दोस्तों पहले तो हमने कॉइल बना लिया, छोटा छोटा दो कॉइल, और उसी को दोस्तों थोड़ा बहुत बेंड कर देंगे। अभी दोस्तों दोनों हाथ को बनाने के बाद दोस्तों अभी हम बापा की जो उंगलियां होता है वो बना रहे हैं दोस्तों। छोटा छोटा कॉइल बना लेंगे और उसे कुछ इस प्रकार से वहाँ पे चिपकाते जाएंगे दोस्तों, उंगलियां की तरह ही बन जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से इसी हाथ को भी बना लेंगे। और दोस्तों यहाँ तक हमारा वीडियो को देख रहे तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे इसी मूर्ति को हमने डेकोरेट और कलर भी पेंट करना है दोस्तों। उसी की वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कर दीजिएगा। चलो वीडियो में बने रहना अंत तक। अभी दोस्तों सब कुछ बनाने के बाद दोस्तों अभी हम बना रहे गणपति बाप सवाल, देख सकते हो इस बार दोनों साइड का बना लेंगे दोस्तों। सावल को बनाने के बाद दोस्तों अभी हम बना रहे हैं पापा जी की गले का हार, जिस प्रकार से सिंपल का डिज़ाइन ही रख लेंगे और दोस्तों नीचे के साइड पे एकदम पतला सा कॉइल बना करके नीचे की साइड भी एक छोटा सा गर्ल रख देंगे और दोस्तों इसी प्रकार से सिंपल का डिज़ाइन बना लेंगे। अभी दोस्तों सब कुछ बनाने के बाद दोस्तों अभी हम बना रहे गणेश पापा की फेस,
फेस को बनाने के लिए दोस्तों हमने थोड़ा बहुत मिट्टी ले लिए और दोस्तों गला मतलब लड्डू की तरह बना दिए और दोस्तों उसी को दोस्तों सब कुछ बना रहा हूँ, देखते रहिएगा वीडियो। दोस्तों अभी जो ये फेस को और मुकुट को एक साथ बना रहे दोस्तों, मुकुट भी एकदम सिंपल ही रखेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार का बनाते जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो। इसी तरह धीरे धीरे बनाते जाएंगे और दोस्तों इसे सिंपल सा डिज़ाइन भी कर लेंगे थोड़ा बहुत, और इसे वहाँ पे जॉइंट भी कर लेंगे दोस्तों टूल बना करके। अभी दोस्तों दांत बनाने के लिए टूल की मदद से हॉल कर देंगे और उसी हॉल में दोस्तों छोटा छोटा कॉइल करके उसे दांत भी बना लेंगे, और दोस्तों कान को भी सिंपल ही बना देंगे दोस्तों मिट्टी से थोड़ा बहुत, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बनाते जाएंगे, और इसे जॉइंट भी कर लेंगे दोस्तों। कान को बनाने के बाद दोस्तों देख सकते हो अभी जॉइंट कर रहे हैं, इसी प्रकार से जॉइंट कर लेंगे। दोस्तों पीछे की साइड भी थोड़ा बहुत मिट्टी दे देंगे और उसे भी बाल बना लेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसे बाल बना लेंगे तो दोस्तों थोड़ा बहुत रंग भी बन जाएगा माथे, क्योंकि दोस्तों वो नहीं बनाएंगे तो दोस्तों थोड़ा बहुत लूज ही रहेगा होने की संभावना है, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत मिट्टी ज़्यादा दे देंगे तो अच्छा रहेगा, होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा मिट्टी के कारण वहाँ पे चिपक कर रह जाएगी, तो इसी प्रकार से सब कुछ बना देंगे। और दोस्तों अभी हम आँख को तो बना रहे हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से सिंपल किस टाइप से ही बना लिए दोस्तों। दोस्तों पहले दो हाथ की तरह ही बना है उस दो हाथों भी। अभी दोस्तों मूषक राज को बना रहे हैं कुछ इस प्रकार का, दोस्तों मिट्टी ले लेंगे थोड़ा बहुत और दोस्तों इसे इसी प्रकार से बनाते जाएंगे। दोस्तों इसी मूषक राज को बनाने के बाद दोस्तों हमारा मूर्ति जो है कम्प्लीट हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह मूषक राज को बनाते जाएंगे दोस्तों। सब कुछ बनाने के बाद दोस्तों अभी हम पहले बना दिए थे दो हाथ, पीछे के साइड में दो हाथ को लगा देंगे मतलब जॉइंट कर देंगे। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी करके कर लीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में इसको कलर मार के दिखाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखना, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।